और देखिए, किसान नेता चौधरी अजीत सिंह का आज सुबह 6 बजे निधन हो गया है। उनके निधन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट करके जानकारी दी है। चौधरी अजीत सिंह के निधन पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। इसके पहले आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने भी शोक जताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना शोक जाहिर किया है। चौधरी अजीत सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। चौधरी अजीत सिंह का निधन आज सुबह 6 बजे हुआ। वो 22 तारीख से कोरोना से संक्रमित थे। उनका इलाज गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में किया जा रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है अपने ट्वीट में कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है चौधरी अजीत सिंह के लिए। आपको बता दें, चौधरी अजीत सिंह 22 तारीख से उनका इलाज चल रहा था, कोरोना से संक्रमित हुए थे और ये जानकारी खुद उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट करके दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ लिखा अपने ट्वीट में वो देख लीजिए। उन्होंने लिखा है कि वो हमेशा किसानों के प्रति समर्पित रहे। उन्होंने केंद्र में कई अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी संभाली। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया है चौधरी अजीत सिंह के निधन पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।